हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ शिवम और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंड टू हेल टीम की जो भी पूरी कंट्रोवर्सी रही उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं जो भी उनको जेल वगैरह हुई, अगर आपको नहीं पता मैं शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ जिन उनके फैंस को नहीं पता है कि लगभग एक मंथ पहले हुआ क्या, पुलिस स्टेशन से वसीम को कॉल आती है जो कि राउंड टू हेल टीम के मेंबर है, उनको कॉल आती है, उनको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं कि उनकी एक बहुत पुरानी वीडियो थी उस पर कुछ लाइनें वगैरह गलत लगी, किसी ने कंप्लेन करी, उनको बातचीत करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो होता क्या, वसीम जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ पर उनसे माफ़ी वगैरह मंगवाते हैं मीडिया के सामने और वसीम माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा ही वसीम को वहाँ से जेल में डाल देते हैं बिना वसीम से कुछ पूछे कि तुमने क्यों कहा था या किस वजह से, जो भी कोई बिना बात किए वसीम को जेल में डाल देते। और जब वसीम को पता लगता है कि वसीम जेल में है, उनके दोस्त जैन जो कि वो भी राउंड टू हेल टीम के मेंबर है और नाजिम वो भी राउंड टू हेल टीम के मेंबर है, उन दोनों को जब पता लगता है कि वसीम जेल में है तो वो अपना कॉन्टैक्ट वगैरह बंद कर देते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं अपनी जगह से, क्योंकि उनको लगता है शायद से उनको भी जेल में डाल सकते हैं। वहीं होता क्या, इतनी सी बात पे वसीम को लगभग 16 दिन की जेल में रखते हैं। 16 दिन के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो वसीम थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह में चले जाता है। उसके बाद क्या होता है, लगभग एक मंथ बाद, मतलब पहले 16 दिन वो जेल में रहे और उसके बाद 15 दिन के बाद वसीम ने लाइव आके कहा, कल लाइव आए थे एक दो दिन पहले, उनने लाइव आके सब कुछ बताया। क्या बताया, मैं वो बात करूँगा। और जो डाउट्स हैं लोगों का, ये कहना है कि राउंड टू हेल की, मतलब जो भी तीनों मेंबर्स हैं इनकी आपस में फ़ाइट हो गई है कि हम चैनल, ये हमारा चैनल है, हमारा चैनल है, हमारा चैनल है। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को लेके कोई फ़ाइट नहीं हुई है। हाँ, हल्का सा वसीम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है कि जब उसका बुरा समय था ये दोनों लड़के गायब हो गए, जो उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उसके भाई की तरह थे, तो ये दोनों दोस्त गायब हो गए। शायद इस डर से हो गए थे कि हमको भी जेल ना हो जाए अगर हम वसीम के पास जाएँ या पुलिस स्टेशन में उससे मिलने जाएँ, तो अगर हमको, हम जाते तो हमको भी जेल ना हो जाए। तो इस चक्कर में वो दोनों गायब हो गए थे। वसीम को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी। एक बार तो आप, वसीम ने डायरेक्टली इनका नाम लेके नहीं कहा बट उसको बुरी लगी, आप एक बार खुद वसीम के मुंह से सुन लीजिए जो इनडायरेक्टली उसने कहा है। से जेल में रहने के बाद बहुत से लोगों के बारे में मुझे बातें सुनने को तो नहीं कहूँगा, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को समझा है कि आपके परिवार के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं पाऊँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएं, तो जो करीब के लोग होते हैं और जो पास के लोग होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूर भागना। दूर भागकर भी कुछ नहीं होगा, पास रहोगे तो शायद कुछ हो जाए। मोहब्बत से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बस यही कहूँगा कि जो सहा मैंने सहा, मेरे घर वालों ने सहा, पर गाइस ये आपने खुद सुना वसीम की 18 मिनट की लाइव में जो मेन मेन बातें थी, जो इनडायरेक्टली उनने नाजिम की ओर इशारा किया और जैन की ओर इशारा करके बता दिया कि अपनी फैमिली के अलावा कुछ कोई नहीं होता, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पता लग गया। बात सही है वसीम की, अगर जेल जाना ही था तो तीनों को जेल में डालना चाहिए था। और वसीम का कहना था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये खाली जो उसके हेटर्स हैं जो उससे जलते हैं उन्होंने कंप्लेन करके उन्होंने ज़बरदस्ती उसको जेल में डलवाया 16 दिन की जेल में। कहता है इतनी जेल तो बनती भी नहीं थी, मैंने कोई इतना मर्डर वगैरह तो नहीं किया था। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि चैनल को लेकर आपस में तीनों की लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम बाद, अभी जैसे वसीम डिप्रेशन से बाहर आके लाइव आया, कुछ टाइम बाद इनकी वीडियो आपको साथ में देखने को मिल जाएगी राउंड टू हेल। हाँ, दोस्ती में थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क पड़ा है बट ऐसा कुछ नहीं है कि चैनल को लेके लड़ाई होगी, इनकी तीनों की साथ में वीडियोज़ आएंगी। और अगर आप इनके फ़ैन हैं तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। पहले भी एक बार इन पर कंट्रोवर्सी हुई थी जब इनने मोदी जी योगी जी वाली वीडियो पे
बट तब तीनों पे कंट्रोवर्सी हुई थी और प्ले स्टेशन भी बुलाया था, बट सब ठीक हो गया था। इस बार इनको 16 दिन की जेल हुई और खाली वसीम को, जबकि गलती अगर थी तो तीनों की थी, अगर जेल जाना चाहिए था तो तीनों को जाना चाहिए था, और 16 दिन की जेल वो भी खाली वसीम को, ये तो काफ़ी गलत हुआ। और नाजिम और जैन फरार हो गए, ये काफ़ी गलत, अगर उनको भी सामने आना चाहिए था और उनको भी बोलना चाहिए था जब वसीम को जेल में डाला हुआ। तो आपका क्या कहना और आपकी क्या राय इस बारे में? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।